14 तारीख को सिर्फ मेरी एक ही दुआ है के बारिश हो जाए। हैं बासे भाई, ये बताएं आपके, आप बजाने डाले, आपने बजाने, आपका कजन है रोहित शर्मा? नहीं अच्छा, सबकी राय थी एक आदमी के अलावा, मैं इसकी देखिए मैं साथ खड़ा हूँ अब, एक आदमी के अलावा सबके, यानी काफ़ी लोगों की राय थी कि फ़खर को खिलाना चाहिए। अभी कॉम्बिनेशन वगैरह बिठाया, चेंज किया और वो चेंज कमाल मैजिकल साबित हुआ, तो फिर क्या ये बेहतर आइडिया नहीं होगा कीपिंग इन व्यू दिस सिनेरियो कि ठीक है शादाब को, ठीक है वाइस कैप्टन जो भी है, लेकिन बिठा रहे बिठा के जाएँ उसामा मीर के साथ? वसीम भाई उससे पहले एक बात कहूँगा कि पहले जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ना, हाँ अब वो वीक जोन हो गया। वो क्या? फास्ट बॉलिंग, हाँ चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट हो चाहे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। सही सही। अभी आप जो बात करें ना शहनशाह अफरीदी की, उसको चाहिए अपना स्टार्ट छोटा ना करे, लंबाई करे। सही है, जितना बुमराह ने करा हुआ ना, हाँ लंबे स्टार्ट से बॉल करे तो उसका रिदम अच्छा बनेगा। ओके, वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है पहली चीज। क्राउड लिया जी अब आपने शाहीन की टिप दी, मुझे याद आ गया कि वो शुएब जट से बात करते हुए आसिफ भी बता रहे थे, उन्होंने भी एहसान उल्लाह को टिप दी थी कि लंबा है। माइट बी बड़ी बेहतरीन टिप थे वो, एक टिप याद आ गया। अच्छा वो जिन्होंने देखा मतलब आपको और शाहीन से मैं कहूंगा बैट्समैन के सर पे गेंद नहीं मार रहे, जो कि उससे बंदा आउट नहीं होगा, जब विकेटों पे गेंद लगेगी तो बंदा आउट होगा। असल में टी ट्वेंटी की वजह से ना छोटे रन अप से बॉल कर रहे हैं। ये टी ट्वेंटी थोड़ी 4 ओवर का मैच थोड़ी, ये तो 50 ओवर का मैच है ना, लेकिन तो लंबे स्टार्ट से बॉल करें ज्यादा अच्छा है। और जहाँ तक आपने रोहित शर्मा की बात करी, वो टॉप क्लास मतलब बैटर है और खतरनाक फॉर्म में भी है भाई। मैं तो आज आपके 14 तारीख को सिर्फ मेरी एक ही दुआ है के बारिश हो जाए। हैं ये तो मैं समझ गया, फिर आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब यही बात शुएब जट कहते हैं तो फिर आप लोग कहोगे यूं है पढ़ जाओ यार। नहीं शुएब तो भाई अपना तजिया है ना सबका यार। नहीं शुएब शुएब थोड़ा सा शुएब का टू फेस लोग हैं। नहीं मैं आपको बोल रहा हूं यार, अच्छा मैं भी वही हूं। मसला आई थिंक शुएब थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है। मसला ये नहीं है, इस वक्त इंडिया की परफॉर्मेंस वैसी है जैसे 70s और 80s में काली आंधी की थी वेस्ट इंडीज के थे। ये कंप्लीट टीम है इस टाइम, हां बॉलिंग भी और बैटिंग बैटिंग